कोयांक आदिवासियों को बेहद खूंखार माना जाता है। अपने कबीले की सत्ता और जमीन पर कब्जे के लिए वे अक्सर पड़ोस के गांवों से लड़ाइयां किया करते थे। कोयांक गांव क्योंकि पहाड़ की चोटी पर है, इसलिए वे वहां से आसानी से अपने दुश्मनों पर नजर रखते हैं। लोंगवा का आधा हिस्सा भारत में पड़ता है और आधा म्यांमार में। सदियों से इन लोगों के बीच दुश्मन का सिर काटने की प्रथा चल रही थी, जिस पर 1940 में प्रतिबंध लगाया गया। हत्या या दुश्मन का सिर धड़ से अलग करने को यादगार घटना माना जाता था और इस कामयाबी का जश्न चेहरे पर टैटू बनवाकर मनाया जाता था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नागालैंड में सिर काटने की आखिरी घटना 1969 में हुई थी। भैंस, हिरण, सुअर और पूर्वोत्तर में पाए जाने वाली गुजातीय प्रजाति की हड्डियों को कोयांक कबीले के हर घर की दीवार पर सजा हुआ देखा जा सकता है। कोयांक सिर काटे जाने के जमाने में दुश्मनों की खोपड़ियों पर कब्जा कर इन्हें प्रमुखता से प्रदर्शित करते थे, लेकिन सिर काटे जाने पर रोक लगाने के बाद इन खोपड़ियों को गांव से हटा दिया गया और जमीन में दफन कर दिया गया। कोयांक झोपड़ियां मुख्य रूप से बांस की बनी होती हैं। ये काफी विशाल होती है और इनमें कई हिस्से होते हैं, जैसे रसोई, खाना खाने, सोने और भंडारण के लिए अलग अलग स्थान। सब्जियों, मक्का और मांस को घर के बीचों बीच बने चूल्हे के ऊपर बांस के कंटेनर में रखा जाता है। चावल को लकड़ी के डंडे से पीटकर पारंपरिक पकवान चिपचिपा चावल बनाया जाता है। लोंगवा का अस्तित्व 1970 में भारत और म्यांमार सीमा रेखा खींचे जाने से बहुत पहले से है। इस कबीले को दो हिस्सों में कैसे बांटा जाए, इस सवाल का जवाब नहीं सूझने पर अधिकारियों ने तय किया कि सीमा रेखा गांव के बीचों बीच से जाएगी, लेकिन कोयांक का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बॉर्डर के पिलर पर एक तरफ बर्मीज में और दूसरी तरफ हिंदी में संदेश लिखा गया है, सीमा रेखा गांव के मुखिया के घर को भी दो हिस्सों में काटती है। यहां मजाक में कहा जाता है कि गांव के मुखिया रात का भोजन भारत में करते हैं और सोते म्यांमार में हैं। कोयांक अब भी मुखिया शासन के अधीन आते हैं, जिन्हें अंग कहा जाता है। इस मुखिया के अधीन कई गांव आ सकते हैं। अंगों के बीच बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है और इन मुखियाओं की कई पत्नियां और कई बच्चे हैं। 19वीं सदी के अंत में ईसाई मिशनरियों के यहाँ पहुँचने तक कोयांक जातिवादी प्रकृति के तत्वों की पूजा करने वाले थे। 20वीं सदी के अंत तक राज्य की 90% से अधिक आबादी ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। आज नागालैंड के हर गांव में कम से कम एक चर्च है। कोयांक महिलाएं अक्सर हर रविवार को चर्च जाती हैं और वो भी पारंपरिक नगा स्कर्ट पहने हुए। कोयांक आदिवासियों के बड़े बुजुर्ग चूल्हे की आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, भुना हुआ मक्का चबाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। साथ ही चलता है किस्से कहानियों का दौर, लेकिन अब यह परंपरा लगभग गायब होती जा रही है। रंगीन मन के और गहने पहनने की प्रथा भी घट रही है। अतीत में पुरुष और महिलाएं दोनों हार और कंगन पहना करते थे। पुरुषों के हार में कुछ पीतल के चेहरे दुश्मनों के कटे सिरों की संख्या बताते थे। आधुनिक सभ्यता से हालांकि लोंगवा अब भी काफी दूर है। लकड़ी के घर और छप्पर एक खूबसूरत संग्रह है, लेकिन कहीं कहीं टीन की छतों और कंक्रीट का निर्माण बदलाव की कहानी का संकेत दे रहे हैं। तो दोस्तों, कोयांक जनजाति के बारे में यह थी कुछ रोचक जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।